हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माइसेल्फ सुजीत सिंह एंड वेलकम टू टारगेट क्लासेस पटना। पिछले वीडियो तक अगर आप लोगों को याद हो तो पिछले वीडियो तक हम लोगों ने डेमोक्रेसी का जो अलग अलग फीचर्स था उसे हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज के वीडियो में हम लोग आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी और आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। यानी जो डेमोक्रेसी में कुछ एडवांटेजेज है और कुछ डिसएडवांटेज है उसे हम लोग एक एक करके वीडियो में समझते चलेंगे। देखिए, कुल मिलाकर बात क्या है, कोई भी इंसान जो होता है ना परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कुछ चीजें अच्छी होती है कुछ चीजें बुरी होती है। जैसे आप अपने दोस्त के कंटेक्स्ट में समझ सकते हैं कि दोस्त में आपको कुछ चीजें तो बहुत अच्छी लगती है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, मेरा फ्रेंड कितना अच्छा है, और कुछ चीजें आपको क्या लगती है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये थोड़ा सा बदलना होगा, तो कुछ चीजें आपको अच्छी नहीं लगती। तो उसी तरह से डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जब जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और ये केवल एक तरह से लोगों को इक्वलिटी की राइट्स देने की कोशिश करती है, लोगों को एक तरह से राइट्स देती है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके, तो ऐसी स्थिति में डेमोक्रेसी में पूरी पॉसिबिलिटी है कुछ चीजें बहुत अच्छी नहीं होगी, है ना, जो एक तरह से आर्गुमेंट्स अगेंस्ट या डिसएडवांटेजेस होगी डेमोक्रेसी में, और कुछ चीजें बहुत अच्छी है जो डेमोक्रेसी का जो वर्ल्ड वाइड दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स बहुत अलग करती है कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छा है। जो फॉर डेमोक्रेसी के जो एक तरह से आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी या एडवांटेजेस है डेमोक्रेसी का जो बहुत अच्छी है। तो एक एक करके समझते हैं पहले कि कुछ अगेंस्ट में क्या प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी में, और उसके बाद हम समझेंगे क्या अच्छी बात है। सबसे पहला है आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी में क्या क्या डिसएडवांटेजेस देखने। एक एक करके पॉइंटर्स के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, पहला पॉइंट है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। आपको पता है कि जो डेमोक्रेसी में लीडर्स बहुत चेंज होते हैं, यानी रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, रेगुलर इलेक्शंस होने के कारण ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे उसमें गवर्नमेंट चेंज हो जानी है, और मान लीजिए वहां पर गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी ना तो उनके काम करने का तरीका बदल जाता है, जिसके कारण इनस्टेबिलिटी आती है। जैसे मैं बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ, मान लीजिए कि अभी कोई गवर्नमेंट बनी, ठीक है, और वो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उनका जो वर्क करने का जो तरीका है वो बहुत डिफरेंट था। क्या कर रहे थे वो, जैसे कि वो हमारे डेवलपमेंट को लेके, जैसे वो डिफेंस सेक्टर पर बहुत ध्यान देते थे, और वो मान लीजिए कि अगर देखा जाए तो रोड और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर बहुत ध्यान देते थे, यानी कि अभी जो गवर्नमेंट बनी। लेकिन वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में वो क्या हो गए, चेंज हो गए। अब जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आए हैं तो जरूरी नहीं कि वो इसी गवर्नमेंट के वर्क को कंटिन्यू करें, उनका अपना डेवलपमेंट को लेके, कंट्री को डेवलप करने का जो होगा अलग विजन होगा। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे वर्क पर ध्यान दिया, दूसरे वर्क को कंटिन्यू किया। तो ऐसी स्थिति में क्या जो पहले से वर्क जो डिसाइड किया गया था क्या वो कंटिन्यू हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो एक तरह से क्या कहा जा सकता है कि डेमोक्रेसी में एक तरह से आपको क्या है कि लीडर्स चेंजिंग होते रहते हैं, इलेक्शंस होते हैं जिसके कारण लीडर चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण इंस्टेबिलिटी आती है। लेकिन वही अगर मान लीजिए कि डिक्टेटर है तो डिक्टेटर में क्या होता है, डिक्टेटर को पता है कि हमें ये करना है तो वो पूरी तरह से करेंगे। तो एक तरह से डेवलपमेंट का जो पेस होता है ना वो आपको डिक्टेटरशिप में ज्यादा तेज देखने को मिलता है। डिक्टेटरशिप में पेस ऑफ डेवलपमेंट ज्यादा होता है कंपेयर टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम्स यही हो जाती है कि इसमें लीडर्स बदलते हैं जिसके कारण आपको इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, और जिसके कारण जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है वो थोड़ा धीमा होता है। पहला ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज बेसिकली पॉलिटिकल कंपटीशन, देयरफॉर नो स्कोप फॉर मोरालिटी। देखो, डेमोक्रेसी में आपने क्या अलाउ किया, पॉलिटिकल कंपटीशन अलाउ किया है, यानी कि अलग अलग पार्टीज को आपने रेस एक लगा दिया है और बोला कि सब किस रेस में किसके लिए भाग रहे हैं, सभी सत्ता के लिए भाग रहे हैं, सभी एक तरह से पॉलिटिकल पावर के लिए भाग रहे हैं, पावर प्ले, यानी सबको पावर चाहिए। जब सब पावर के लिए भागेंगे तो वहां पर बताइए कोई मोरलिटी की बात होगी, कोई नैतिकता की बात की जाएगी, सबको जाइए या कहिए कि नहीं यहाँ पर आपको सत्य के साथ चलना है, मतलब एकदम सब चीजें बहुत अच्छे वे में करना है, वो नहीं सुनेंगे, कहेंगे कि अच्छे वे में मुझे समझ में नहीं आता है, बस मुझे पावर चाहिए, और पावर के लिए मैं मतलब कैसे भी मुझे पावर मिले बस हमें पावर चाहिए। तो यानी कि डेमोक्रेसी में जब आपने पॉलिटिकल कंपटीशन को अलाउ किया, यानी कि कंपटीशन हो रहा है, अलग अलग पार्टीज लड़ रहे हैं अपने पावर के लिए, तो ऐसी स्थिति में कोई मोरलिटी नहीं रहता है, कोई किसी से उम्र के मतलब बड़े उम्र के व्यक्ति है छोटे उम्र के व्यक्ति है कोई रेस्पेक्ट की बात नहीं होगी, किसी तरह की एक तरह से मतलब कहा जाए कि कोई मोरल वैल्यू नहीं है किसी तरह से, चाहे जिस मतलब ऐसी स्थिति बने, कोई कैसी भी स्थिति में हमें बस पावर चाहिए, तो कोई मोरलिटी वहां पर देखी नहीं जाएगी। ये दूसरा डिसएडवांटेज है डेमोक्रेसी का। थर्ड डिसएडवांटेज समझिएगा, कंसल्टेशन सो मेनी पीपल इट लीड्स टू डिलेज। ये भी एक डिसएडवांटेज है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी में क्या होती है ना कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई भी अगर डिसीजन लेना है
तो बहुत कंसल्टेशन होता है। कंसल्टेशन मतलब कि बहुत ज्यादा खोपड़ा लगता है। खोपड़ा मतलब दिमाग, मतलब कि इंटेलिजेंट ब्रेन इज नोन एज खोपड़ा। तो खोपड़ा बहुत ज्यादा जब लड़ता है तो जब बहुत ज्यादा लोग अपना अपना एक तरह से ब्रेन लगाएंगे, बहुत कंसल्टेशन होगा, जिसके कारण बहुत डिलेज देखने को मिलता है। कोई डिसीजन अगर जल्दी लेनी है तो जल्दी हो नहीं पाता, डिलेज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आज किसी कंट्री से कोई कंफ्लिक्ट हो गया और उससे हम हमारे क्या करना है, आक्रमण करना है उस कंट्री पे, हमें क्या करना है, आक्रमण करना है। तो ऐसा नहीं कि अभी क्या भी हो जाएगा, उसके लिए पहले क्या होगी, एक मीटिंग बैठेगी, मीटिंग में डिबेट होंगी, डिबेट होने के बाद फिर सोचेंगे हाँ नहीं अटैक करना सही रहेगा नहीं रहेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, तब जाके क्या होंगे, फिर फाइनल होगी और फिर वैसे होगी। लेकिन वही अगर डिक्टेटर में देखा जाए तो डिक्टेटर में क्या है, डिक्टेटर को अगर लगा कि आक्रमण करना है तो करो। तो ये थोड़ी चीजें चेंज हो जाती है, मतलब कंसल्टेशन देखने को बहुत ज्यादा मिलती है, जिसके कारण आपको क्या होता है, डेमोक्रेसी में डिलेज बहुत ज्यादा होता है, लेट होता है। और इसका एडवांटेजेज भी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि इसका अच्छी बातें भी है कंसल्टेशन होने से। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए, कंसल्टेशन होने से डिलेज देखने को मिलती है, जो थर्ड डिसएडवांटेज या आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी है। फोर्थ प्रॉब्लम क्या है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। समझिए चीजों को, तो कभी कभी डेमोक्रेसी में क्या होता है ना कि जो लीडर्स होते हैं ना वो आपकी इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, मतलब उनको पता नहीं, उनको उतना अच्छा नॉलेज नहीं है, जिसके कारण वो आपके लिए बैड डिसीजन भी ले सकते हैं। जैसे मैं बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके एरिया से कोई आपने एमएलए चूज किया, ठीक है, और वो एमएलए जो है उनका फैमिली बैकग्राउंड है, यानी कि उनके पिताजी भी एमएलए रहे हैं, उनके दादाजी भी एमएलए रहे हैं, यानी उनका फैमिली बैकग्राउंड जब चला आ रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो उनका मतलब अभी जो एमएलए के लिए कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो वो तो केवल फैमिली बैकग्राउंड के बेसिस पे खड़े हो गए, उनको सीट मिल गई है। लेकिन क्या उसमें कैपेबिलिटी जरूरी है कि उसमें कैपेबिलिटी हो, उनमें प्रॉपर नॉलेज हो, या उसके लीडर्स की पूरी जो पोटेंशियल होनी चाहिए क्या उसके अंदर हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। और जब आपने उनको वोट कर दिया तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि जब इन द एब्सेंस ऑफ नॉलेज वो लीडर्स आपके इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं है, तो वो आपके लिए क्या ले सकते हैं, बैड डिसीजन ले सकते हैं। समझे, तो कभी कभी ये भी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा दिखी रही है। आप देखिए ना खुद ही, मतलब बड़े लेवल पर देखिए, नेशनल पार्टीज में भी बहुत सारी पार्टीज ऐसी है, मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता बट आप समझ जाइए, बहुत सारी ऐसी पार्टीज है जहां पर फैमिली बैकग्राउंड चली आ रही है, वहां पर जो लीडर्स है वो आपको देख के लग जाएगा कि इस लीडर में पोटेंशियल नहीं है, लेकिन केवल उस वो फैमिली बैकग्राउंड के बेसिस पे आती चली आ रही है पार्टी। तो उस लीडर्स क्या हो रहे हैं कि वो लीडर एक तरह से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, लेकिन अगर वो पावर में आ गए तो क्या आपके लिए अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, कभी नहीं लेंगे, वो तरह से पूरी तरह से खराब कर देंगे, बैड डिसीजन लेंगे। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी लीडर्स में ये प्रॉब्लम होती है जिसके कारण वो बैड डिसीजन ले सकते हैं। आई थिंक ये वाला समझ में आ गया। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन देयरफॉर इलेक्टोरल कंपटीशन, ये इससे रिलेट करिए कंपटीशन। देखिए पॉलिटिकल कंपटीशन होने के कारण डेमोक्रेसी में करप्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। वर्ल्ड वाइड जितने भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उस सभी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा अगर करप्शन देखने को मिलती है तो आपको डेमोक्रेसी में देखने को मिलती है, क्योंकि यहां पर सबको सत्ता चाहिए और कोई व्यक्ति सत्ता पाने के लिए कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, कितनी भी मसल पावर लगाने को तैयार है। जब कोई व्यक्ति बहुत पैसा खर्च करेगा तो वो पावर में अगर आ गया, मान लीजिए ठीक है गवर्नमेंट बना ली, तो क्या वो अपनी जो मतलब एक्सपेंस किया है, उन्होंने खर्च किया, तो क्या उसे कलेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, तो क्या करेगा, करप्शन करेगा। तो ऐसी स्थिति में वो बहुत भ्रष्टाचार करेगा और अपनी जेब भरने की कोशिश करता है। तो डेमोक्रेसी में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर करप्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, बिकॉज यहाँ पर पॉलिटिकल कंपटीशन है, यहाँ पर कंपटीशन में सबको पावर चाहिए, जिसके कारण करप्शन होता है। ये होता है लास्ट पॉइंट, समझिएगा, ordinary people don't know what is good for them, they should not decide anything. इस चीजों को भी अच्छे से समझिए। देखो पहले जो सिविलाइजेशन होती थी, आप एथेंस सिविलाइजेशन जो आप पढ़िएगा या बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स का मानना था कि सबको वोटिंग राइट्स नहीं देना चाहिए, कुछ लोगों को वोटिंग राइट्स दो, यानी जो व्यक्ति पढ़े लिखे व्यक्ति है, सोसाइटी का वो सेक्शन जो कि एजुकेटेड है, जिनके पास नॉलेज है, डेमोक्रेसी का बहुत अच्छा नॉलेज है, गवर्नमेंट कैसे बनती है सारी नॉलेज बहुत अच्छे से, वैसे लोगों को वोटिंग राइट्स दो, तभी वो अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे लीडर्स को और आपके कंट्री में, यानी कि आपका जो पूरा एक तरह से जो एरिया है या कंट्री है वहां पर डेवलपमेंट अच्छे से होगा। तो यानी सबको वोटिंग राइट्स को नहीं देना चाहते थे। लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सबको इक्वल राइट्स की बात करते, तो ऐसी स्थिति में हम सबको वोटिंग राइट्स देते हैं। जब सबको वोटिंग राइट्स देते हैं तो उसमें जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है उतना अच्छा डेमोक्रेसी का, कॉन्स्टिट्यूशन का,
या गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, क्या क्या मतलब एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का, जब उनको उतना अच्छे से नॉलेज नहीं है वो ऑर्डिनरी लोगों को, तो वो जब वोटिंग देंगे तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, वो अच्छा डिसाइड कर सकते हैं, वो नहीं डिसाइड कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में वो अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते हैं, जिसके कारण जो गवर्नमेंट बनेगी वो अच्छा गवर्नमेंट नहीं बनेगी। देखिए प्रैक्टिकलिटी में आपको बताता हूँ कुछ कुछ चीजें। बहुत जगह क्या होता है कि मतलब पैसे बांट दिए जाते हैं, है ना, गवर्नमेंट में बहुत जगह ऐसे लीडर्स जो होते हैं वो पैसे बांटते हैं, और जो लोग एक तरह से शिक्षित वर्ग नहीं है उनको दिखता है कि भाई पैसा आ रहा है ले लो, और वो पैसा लेके क्या करते हैं, एक तरह से खूब इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन उनको दूर तक नहीं दिख रहा है उस लोगों को, उन लोगों को, कि आज हम इनसे पैसा लेके इस लीडर्स को चूज कर रहे हैं, कल के डेट में ये लीडर जो हमें पैसा दिया है अगर ये कल पावर में आ जाएगा तो क्या ये अपना पैसा कलेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्या हमारे लिए अच्छा डिसीजन ले सकता है, क्या हमारे लिए डेवलपमेंट करेगा। और फिर बाद में वो लोग रोएंगे कि ओफ गड़बड़ हो गया, लीडर्स ही अच्छा नहीं चूज करता है। भाई साहब कैसे लीडर अच्छा चूज करो, आज तो तुमने पैसा ले लिया है, उनसे पैसा लेके गवर्नमेंट बना दिया उनका, तो क्या वो पॉसिबिलिटी है कि वो आपके लिए अच्छा डेवलपमेंट कभी करेंगे? नहीं करेंगे, वो अपना जेब भरेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको पैसा दिया वो कलेक्ट फिर करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑर्डिनरी पीपल जिनको बहुत अच्छा नॉलेज नहीं होता है डेमोक्रेसी का, यानी कि एक तरह से जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, ग्रुप नहीं है, जिसके कारण वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या डिसीजन अच्छा होना चाहिए, किस तरह से कौन लीडर हमारे लिए अच्छा होंगे, जिसके कारण कभी कभी वो मतलब एक तरह से गलत उनके साथ उनसे चुनाव हो जाता है। ठीक है, और कुल मिला जुला के डेमोक्रेसी में जब हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं तो सभी को वोटिंग राइट्स देना पड़ेगा, लेकिन ये आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी में ये भी एक डिसएडवांटेज देखने को मिलती है। तो आई थिंक ये कुछ डिसएडवांटेज था। ठीक है, सिक्स डिसएडवांटेज एक बार रिविजन हो जाए क्विक। देखो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि डेमोक्रेसी में लीडर्स चेंज होते हैं, जिसके कारण क्या होती है, इनस्टेबिलिटी आती है, बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलती है डेमोक्रेसी में। कुल मिला जुला के क्या है, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है। जब पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन की बात करते हो तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, कोई मोरलिटी नहीं रहेगी, कोई स्कोप नहीं रहती मोरलिटी की। तीसरी चीज है इलेक्टेड लीडर्स जो होती है वो आपके लिए बहुत अच्छे से क्या कर सकते, नहीं उससे पहले कंसल्टेड सो मेनी पीपल, यानी कि बहुत सारे लोगों से आप कंसल्ट करते हैं डेमोक्रेसी में, जिसके कारण डिलेज देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्या है कि इलेक्टेड लीडर्स क्या होती है, कभी कभी वो अच्छे से नहीं समझ पाते, क्योंकि इलेक्टेड लीडर्स में कभी कभी कैपेबिलिटी नहीं होने के कारण वो जनता को क्या एक तरह से बेस्ट इंटरेस्ट है, क्या उनके अच्छे नॉलेज ना होने के कारण वो मतलब एक तरह से बैड डिसीजन ले सकती है। अगला डेमोक्रेसी में क्या है, पॉलिटिकल कंपटीशन है, जिसके कारण करप्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और लास्ट वाला क्या है कि ऑर्डिनरी पीपल, यानी सबको जब हम वोटिंग राइट्स देते हैं तो ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं, जो एक तरह से ऐसे वर्ग जो कि मतलब उतने ज्यादा अवेयरनेस उनके पास नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है, तो वो मतलब कि अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाने के कारण वो कभी कभी मतलब अच्छा डिसाइड नहीं कर पाते हैं, जिससे लीडर्स अच्छा चूज नहीं हो पाता। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे, कुछ आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी थे, जो आपको ये पूरे पॉइंटर्स समझ में आए। देखिएगा डिबेट करने के लिए भी ये पॉइंटर्स आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए, ताकि आप डिबेट में हिस्सा लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज रहेगा। साथ में आप आंसर भी अगर डायरेक्ट पूछेगा व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, वहां पर भी इस पॉइंटर्स के सहारे आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। अच्छा लगा तो लाइक्स करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।